इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइवर के अंदर जैसे हम अपना यूज़र नेम डालते हैं यहाँ पर ईमेल और यूज़र नेम और यहाँ पर पासवर्ड डालते हैं, लेकिन पासवर्ड हम गलत डालते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ था ईमेल और यूज़र नेम इनकरेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो यहाँ पर हमारा पासवर्ड में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके साथ साथ यूज़र नेम में भी प्रॉब्लम दिखा रहा है। लेकिन अब पासवर्ड को कैसे फॉरगेट कर सकते हैं, कैसे एक न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, ये हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके नीचे आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन, तो फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें यहाँ पर आपको जिस भी ईमेल आईडी से लॉगिन कर रहे हो उस पर वाली ईमेल आईडी डाल देनी है और सेंड पर क्लिक कर देना है। सेंड पर क्लिक करते ही यहाँ पर लिखवाएगा प्लीज़ ओपन द ईमेल सेंड टू आपका जो ईमेल एड्रेस है .com एंड फॉलो अदर इंस्ट्रोडक्शंस। तो यहाँ पर गोट इट पर हम क्लिक कर देते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें अपने जीमेल पर जाना है क्योंकि जीमेल पर हमें एक जो है उन्होंने लिंक भेजा होगा ईमेल के थ्रू। तो ये रहा हमारा जीमेल, इसको हम जो है खोल लेते हैं। और खोलने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना होगा। नीचे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा रीसेट योर पासवर्ड, ये और ये आपका 24 घंटे तक सिक्योरिटी रहता है, इसके 24 घंटे के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो रीसेट योर पासवर्ड पर क्लिक करें और जैसे ही रीसेट योर पासवर्ड पर हम क्लिक करते हैं तो ऐसे आपके सामने इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर जो आपको न्यू पासवर्ड बनाना है उसके बाद कन्फर्म कर देना है और एंड में इसे चेंज कर देना है। तो जैसे ही आप इसे चेंज करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो सोल्व हो जाएगी। और यहाँ पर आपको 8 कैरेक्टर डालने हैं और कॉम्बेन नंबर्स डालना है, अपर केस वगैरह के लोअर केस लेटर डालने हैं जिससे कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बन पाए और जब भी आप इसको बना पाएंगे। तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर यहाँ पर आपको फाइवर के अंदर जाना है और फाइवर के अंदर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपने ईमेल तो पासवर्ड तो चेंज कर लिया। और अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड जो आपने नया बनाया है वो डालिएगा, कंटिन्यू करिएगा और आपका जो है लॉगिन हो जाएगा जो आपने न्यू पासवर्ड बनाया है। और अब भूलने का तो सवाल ही नहीं होता क्योंकि आपने अभी बनाया है, तो अभी आप कैसे भूल जाएंगे। तो ये प्रोसेसेस का, अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।